नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने अगस्त लास्ट में ठीक है, अगस्त लास्ट वीक में बीपीएससी द्वारा आयोजित किए जा रहे अध्यापक भर्ती परीक्षा में 1 से 5 तक का हम बता रहे हैं, ठीक है, 1 से 5 तक का जो एग्ज़ाम है। इस अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो पूछे जा रहे हैं, जो सिलेबस है वो है, सबसे पहले है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश मिला के है। ये दोनों मिला के टोटल आएगा 100 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी के रहेंगे 70 और इंग्लिश के रहेंगे 30। इन दोनों को मिला करके टोटल जो 100 में आपको पाना है 30 नंबर, ये आपका क्वालिफाइंग है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है जीएस मैथ और आपका है रीजनिंग, ये 3 टॉपिक है। जीएस में जो है हमारा साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पर्यावरण भी, इकोनॉमिक्स भी, उसके बाद जो है आपका आ जाता है बिहार स्पेशल भी, करंट अफेयर भी, ठीक है। तो जीएस का टॉपिक जो ब्रॉड है, इन सब टॉपिक में हम सब आज उठाने जा रहे हैं बिहार, ठीक है। ये टोटल मिला के जो हमारा ये है, ये टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आ रहा है और प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल 120 नंबर में जो बिहार स्पेशल आने की संभावना है वो 15 से 20 क्वेश्चन है, माने 15 से 20 नंबर का। इसीलिए जो है ये पूरे जीएस में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, कौन, बिहार स्पेशल, ठीक है। तो इसीलिए आज हम बिहार स्पेशल इस चैनल पे शुरू किए हैं, हम आपको पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट करवाएंगे, बस आप साथ बने रहिएगा, ठीक है। और जो कोई भी गलतियां होंगी वो आप सहयोग कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसका सुधार करेंगे। ये मेरे पहले लेक्चर है इसीलिए हो सकता है बहुत सी गलतियां हों, तो आप माफ कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय, देखते हैं कि इस राज्य का नाम क्या है, वो है बिहार। अच्छा, ये जो बिहार है ये अपने आप में पहले स्वतंत्र राज्य नहीं था, जैसे आज हम जितना बिहार देख रहे हैं ये इतना नहीं था। ये बिहार जो है पहले आता था बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, या फिर कह दें बंगाल प्रांत के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कहेंगे हम, बंगाल प्रांत कहेंगे, ठीक है। देखते हैं जब 1905 में हम देखते हैं, 1905 में, ठीक है, उस समय एक बंगाल था जिसके अंतर्गत हमारा आज का बांग्लादेश आता था, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट आते थे, हमारा पश्चिम बंगाल आता था, बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था, ये इन सब को मिला के बनता था हमारा बंगाल। 1905 में क्या हुआ कि एक लॉर्ड कर्जन जो आया था, एक वायसराय था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इसने क्या किया, ये का है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, इसने क्या किया कि इस बंगाल को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड और उड़ीसा जो है, इनको बना दिया पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल का पश्चिम साइड, और जो इसके जो है ये पूर्व वाला हिस्सा था इनको कहा जाए पूर्वी बंगाल, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 1911 में, ठीक है, दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ, जब लगा दिल्ली दरबार 1911 में, ठीक है, दिल्ली दरबार लगा। अच्छा, इसी में पूछा जाता है एक बार कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई का, गेटवे ऑफ इंडिया, इसका भी आयोजन 1911 में करवाया गया था, जो जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था, ठीक है, दिल्ली दरबार के पहले। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए तो उन्होंने क्या किया, बिहार विभाजन जो था उसको रद्द कर दिए, ठीक है, बिहार विभाजन को रद्द करके और बंगाल से जो है बिहार प्रांत को अलग कर दिए, बंगाल से बिहार प्रांत को अलग करने की घोषणा किया। अब जो ये प्रांत अलग हो रहा है इसमें कौन कौन थे, आज के बिहार, झारखंड और उड़ीसा,
ये तीन स्टेट जो आज के तीन स्टेट बने हैं, ये सब उस समय बिहार के पार्ट थे। ये जो है अलग कब हुए, इनका तारीख था 22 मार्च 1912। इस दिन जो है बंगाल बंगाल से इसको क्या नाम है, ये आपका बिहार को अलग कर दिया गया। अब आते हैं, देखते हैं, तो अब बनता है क्या, एक समय आता है जब 1935 का भारतीय शासन एक्ट आया, तो उसमें आया 1 अप्रैल 1936 को, 1936 को, ये 19 है ठीक है, 1936 को ये जो था आपका जो उड़ीसा था इसको अलग कर दिया गया। अब बचा बिहार में जो है, अब कौन कौन से राज्य बचे आज के बचा बिहार और झारखंड। फिर धीरे धीरे समय आया 15 नवंबर सन 2000। इस दिन जो बिहार बचा हुआ था इसमें से झारखंड को अलग कर दिया गया। आज का जो बिहार का सीन है वो जो अभी हम देखते हैं ये है, 2000 के बाद से यही बिहार बचा है ठीक है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ, तो जो आज हम बिहार के बारे में जो पढ़ रहे हैं यही बिहार तब से बना हुआ है, तब से बिहार में कोई जो है विभाजन नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं, तो देखना आप जो पहली बार जो है बंगाल से हमारे बिहार को जब अलग कर दिया गया था, तो इसी दिन 22 मार्च को इसीलिए हम बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। किसको? 22 मार्च को ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया स्थापना दिवस, मैंने बताया 22 मार्च। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था, इसीलिए जो है 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। आगे देखते हैं, इसकी राजधानी जो है पटना है। अच्छा, पटना का भी एक अलग इतिहास रहा है। सबसे पहले पटना की जो स्थापना किया था वो था उदयन, किस वंश का था, हर्यक वंश का, हर्यक वंश का शासक था जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि अपने बाप को मार मार के ये लोग सत्ता में बैठे थे। पितृहंता वंश, हर्यक वंश ठीक है, हर्यक वंश। अब देखना हर्यक वंश में था उदयन, इसने क्या किया, पाटलिपुत्रा की स्थापना किया। पाटलिपुत्र बोला जाता है या पाटलिपुत्र बोलता है, जो भी आप बोले, पाटलिपुत्र की इससे स्थापना किया। और अपनी राजधानी को, जो इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मगध की ठीक है, ये सब मगध के शासन थे, मगध का उदय उस समय हुआ था और मगध जो है बिहार में पड़ता था उस समय। जो इसकी राजधानी थी किसकी, उदयन की ठीक है, या हर्यक वंश की, वो थी राजगृह। राजगृह से जब इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो इसने राजगृह से अपना राजधानी शिफ्ट कर दिया कहाँ, पाटलिपुत्र में। फिर जब एक आप पढ़ेंगे जो है मिडिवल हिस्ट्री या फिर मध्य जो है इतिहास, तब उसमें पढ़ेंगे कि एक था शेरशाह सूरी, एक राजा, एक शासक था शेरशाह सूरी ठीक है। इसने क्या किया, पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना किया, ऐसा सुनने। तो पहले इसका नाम था क्या, पाटलिपुत्र। स्थापना किसने किया था, उदयन ने ठीक है। और पटना का नाम किसने, मतलब पटना का नाम किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने रखा था। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको मतलब जो भी इससे रिलेटेड इतिहास है वो सब बताते जा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है 12वां स्थान राज्यों में, 13वां स्थान दोनों मिला के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं टोटल हमारे राज्य कितने हैं, वो है 28। हमारे भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
मतलब भारत को डिवाइड नहीं किया गया, भारत का जो बंटवारा हुआ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वो दो पार्ट में, ठीक है, एक होता है राज्य, एक होता है यूटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटीज, ये है टोटल 8। अगर हम 28 में देखते हैं तो बिहार का स्थान आता है 12वां। देखना ये वर्तमान का पढ़ रहे हैं, पहले 13वां आता था जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, तब बिहार का 13वां स्थान था, लेकिन अभी जो है 12वां स्थान है। लेकिन जब यूटी और राज्य दोनों हम मिला के पढ़ते हैं तो बिहार का जो स्थान है वो आता है 13वां, ठीक है, ये इसका सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है जो जनसंख्या की दृष्टि से वो इसका जो स्थान है वो तीसरा है भारत में, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत का जितना क्षेत्रफल कवर करता है वो है बिहार का 2.86, इतना एरिया जो है भारत का बिहार के पास है, जनसंख्या में स्थान तीसरा है। तो पहला दूसरे कौन है? तो पहले पे है यूपी, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है बिहार, ये जनसंख्या के मामले में है। परसेंटेज में कितना है भारत का? तो परसेंटेज में है 8.86%, सॉरी 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 सॉरी, 8.56, 8.6 नहीं, 8.56%। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान और परसेंटेज में कितना है इसका, ठीक है। देखते हैं बिहार की औद्योगिक राजधानी जिसको कहा जाता है वो कौन सा है? वो है बेगूसराय। देखते हैं इसकी जलवायु जो है, इसमें जो सामान्य वर्षा होता है बिहार में वो होता है 1205 mm। 1205 mm मतलब कितना हो गया आपका? 120, 120.5 cm। ऐसे समझे, 120.5 cm जो इसकी सामान्य वर्षा होती है। कह रहा 2019 में या 119.47 cm वर्षा हुआ था इसमें, या 1194.7 mm नापा जाता है मिलीमीटर में। अच्छा, ये वर्षा मापते कैसे हैं? सपोज करो आप इसे एक गिलास ले लिए, जो भी बरसात में रख दिए, कोई रुकावट ना हो या कहीं दूसरी जगह से पानी ना आए, डायरेक्ट बरसात का पानी इसमें गिरे, ठीक है। सपोज करो एक दिन बरसा 1 cm नापे, फिर दूसरे दिन 2 cm बारिश हुआ, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3 cm, पहले दिन नहीं दूसरे दिन, तो टोटल मिला के 3 cm। ऐसे पूरे साल का बरसात यहाँ मेजर किया जाता है या नापा जाता है, ठीक है, तभी जो है इसका हम सामान्य वर्षा जो है ये देख पाते हैं। कह रहा है इसका जो, अच्छा देखना, कह रहा है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? वो होता है किशनगंज में, न्यूनतम वर्षा जो है वो अरवल में, और इसकी जलवायु जो है वो मानसूनी है। अब इन तीनों को बताते हैं, जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है, और हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु का जो आगमन होता है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होता है, दक्षिण पश्चिम। अब समझ लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है। अब देखना, दक्षिण पश्चिम जो हमारा हुआ वो हमारा कौन सा हुआ? ये वाला, यहाँ से आता है, देखिए ऐसे ही आता है, सबसे पहले जो पश्चिमी तट पे करता है वहाँ केरल में हमारा बरसात होता है, या फिर अगर हमारे पूरे भारत की भूमि पे देखा जाए तो हमारे होता है अंडमान निकोबार पे, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी से आया, जो उत्तर भारत में बरसात होता है वो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल से पानी आर्द्रता ग्रहण करके ये जो है
मानसून जो है आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जो है ये उत्तर भारत में प्रवेश करता है। अब सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ करता है मानसून जो है, उसके बाद यहाँ 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 ऐसे करता है। तो जो बिहार का किशनगंज है वो सबसे पूर्व में है, तो इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होता है। और जो अरवल है वो लगभग यहाँ पड़ता है पटना के पास में, तो इसीलिए यहाँ सबसे कम बरसात होती है। चलिए बिहार के मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये आपका किशनगंज, आपका जो जलवायु आ रहा है ये इधर से आ रहा है, या जो इसका मानसून का आगमन हो रहा है वो आपका कहाँ से हो रहा है, पश्चिम बंगाल साइड से हो रहा है, बांग्लादेश साइड से। और देखना अरवल कहाँ पड़ता है, अरवल यहाँ पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ सबसे कम बरसात होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ अभी दिखाएगा, सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता है वो आर्द्रता का जो औसत है वो सुपौल में है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखना जो औसत वर्षा होती है बिहार में वो होती है 52.5 डेज, एक साल में 52.5 डेज। ठीक है, लगभग अगर साल में देखा जाए तो 1/7 जो है साल वर्षा होती है, लगभग 1.5 महीने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है सर्वाधिक औसत आर्द्रता जो है उस सुपौल में, हमने बताया आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक टॉपिक रह गया, वो आपका पूछ रहा है कि बिहार का जो टाइम जोन है वो कौन सा है, जो भारत का, भारत में क्योंकि एक ही टाइम जोन है तो इसीलिए जो भारत का होगा वही बिहार का होगा। तो ये 8 पॉइंट, ठीक है, 8.5 जो मिनट है, 8 डिग्री 82 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, इसी को हर एक स्टेट का टाइम जोन माना जाता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो, और चाहे वो आपका गुजरात हो। और इसको अगर हम टाइम में चेंज करते हैं तो यह आता है 5 घंटा 30 मिनट। मतलब जो हमारा GMT है, ग्रीन मीन टाइम है, जो हमारा जो है ब्रिटेन से होकर गुजरता है, 0 डिग्री जो जीरो डिग्री देशांतर है, उससे हम 82.5 डिग्री से आगे हैं, या 5 घंटे 30 मिनट आगे हम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा देखना, जो देशांतर रेखा हमारी होती है, एक देशांतर रेखा मूव करने में हमारा 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री मूव करने पे। सपोज कर लो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री मूव करने पे या चलने पर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अच्छा ये किसका समय है, ये जो हमारे जो है सूर्य का समय है। इसका किलोमीटर कितना होता है, 111 किलोमीटर एवरेज में। आगे देखते हैं, भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं, परिदृश्य। ठीक है, किसका, बिहार का। देखते हैं इसका जो सीमावर्ती देश है वो है नेपाल, नेपाल से जो बिहार का सीमा साझा होता है वो 601 किलोमीटर होता है, 601 किलोमीटर। कितने जिले टच होते हैं, तो है 7 जिले। कौन कौन से, देखना पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, उसके बाद आ गया सीतामढ़ी, फिर आ गया आपका मधुबनी, मधुबनी, फिर आपका आ गया सुपौल, आपका आ गया अररिया, और अंतिम में आता है आपका किशनगंज।
ये सात जिले जो है नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे में आगे देखते हैं, अब देखते हैं। अच्छा, एक बार मैप पे आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। मैप पढ़ते समय देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये मधुबनी, ये सुपौल, ये अररिया, ये किशनगंज। ऐसा नहीं, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो है गया। अभी गया का लोकेशन हम लोग एक बार देख लेंगे। समुद्री तल से ऊंचाई कह रहा है 173 फीट है। कह रहा है टोटल जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जो ग्रामीण संख्या कह रहा निवास करती है वो 92,557 वर्ग किलोमीटर पे जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो शहरी जनसंख्या किस पे निवास करती है? शहरी जनसंख्या 1,095 वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है। ठीक है, अब कह रहा है जो इसका क्षेत्रफल है, किसका? बिहार का। ये क्षेत्रफल, ये भारत में, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो ये जो है 2.86 है, जो मैंने अभी बताया था। अगर जनसंख्या पूछ लिया जाए तो 8.56 या कभी कभी 8.6 आ जाता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं, इसका कह रहा है जो अक्षांशीय और देशांतर जो इसका विस्तार बता रहा है वो देखिए। बिहार का जो आकार है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार। ठीक है, अब देखना, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये होता है हमारा अक्षांश रेखा, जो हमारे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व होते हैं, और जो हमारे उत्तर से दक्षिण होते हैं ये होते हैं हमारे देशांतर रेखा। कह रहा है जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से कहाँ तक? 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। इसको हटा दीजिएगा, ये उत्तर लिखा था मैंने। तो ये हो गया हमारा जो है। अच्छा, ये हमारा कहाँ से जोड़ते हैं? तो ये उत्तर जोड़ते हैं, इसको लिखते हैं उत्तर, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारे भूमध्य रेखा से, ठीक है, इक्वेटर से उत्तर में पड़ता है बिहार या पूरा भारत, तो इसीलिए उत्तरी लिखते हैं। सेम इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है और हमारा देशांतर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो शुरू जहाँ से होता है वो होता है हमारा 83.83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, और समाप्त जहाँ होता है, शुरू कहाँ होता है हमारा जो है, ये शुरू होता भभुआ में। ठीक है, और ख़त्म कहाँ होता है? ख़त्म होता किशनगंज में। ठीक है, किस पे? 88 डिग्री 17 मिनट उसका 40 सेकंड, यहाँ पे जाकर हमारा जो है देशांतर रेखा समाप्त होता है। ठीक है, अब देखना, आगे देखते हैं, हम देखते हैं इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है, ये चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, या फिर लंबाई कह रहा है और ये चौड़ाई कह रहा है। ठीक है, जो इसका पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से जो पूर्व है ये वाला एरिया, वो है इसका कितना? 483 किलोमीटर। और जो इसका उत्तर से दक्षिण जो इसका चौड़ाई है या लंबाई, सॉरी लंबाई जो है वो कितना है? वो जो इसका है वो 345 किलोमीटर। ऐसा में ये 345 है और ये 483 है। पूर्व से पश्चिम जो है वो 483 है और उत्तर से दक्षिण जो है 345 है। तो आज हम लोग यही एक पेज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा,
बाकी होगा कल पढ़ाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।